वालेकुम 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसदाद स्मगलिंग में आर्मी चीफ की मुआवनत पर शुक्रिया अदा करते हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर स्मगलिंग का खात्मा जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले अहलकार के घर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर स्मगलिंग का खात्मा जरूरी है। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में शहीद कस्टम्स हुसैन अली तिरमिज़ी की रिहायशगाह पर अहले खाना से ताज़ियत करते हुए शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने गुफ्तगू करते हुए स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन FBR मुतलका एजेंसी के अफसरान मौजूद हैं। मोहसिन नकवी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए यकसू हैं। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग का खात्मा किए बगैर मेशिट मुस्ताकम नहीं हो सकती, इसकी रोकथाम के लिए तमाम सलाहियतें ब्रुए कार लाएंगे। स्मगलिंग की रोकथाम में आर्मी चीफ की मामलत पर शुक्र गुजार हूँ। शहीद इंस्पेक्टर हुसैन तिरमिज़ी पर फख्र है। चंद रोज कबल BDI खान वाकियात में 8 शहादतें हुई। अजीम सपूत जान हथेली पर रखकर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे, इसका खात्मा करके अरबों डॉलर बचाएंगे। ख्याल रहे कि 3 रोज कबल डेर इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से कस्टम के 3 अहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा ने वफाकी और सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि बताएं ये जिना कोर्ट किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के मुतासरीन की दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन का मामला देखने की हिदायत करते हुए कहा, सरकार जहाँ इंक्रोचमेंट करती है वहाँ ज्यादा सजा होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल से पूछा, आप देखते नहीं कहाँ से आते हैं आप? नेवल रेंजर्स हेडक्वार्टर गवर्नर और वज़ीर-ए-आला हाउस ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा, जगह जगह सड़कें टूटी हैं, मेयर भी आए हुए थे, कहाँ हैं? बिजली के खंभे गिराते हैं, वो पूरी सड़क खोद कर चले जाते हैं, कल लगाते हैं केस। बताएं तफसील, ये जना कोर्ट किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया है? जस्टिस काजी फैजीसा का कहना था कि मैंने तो मना कर दिया है कि मेरे लिए रूट न लगाएं। IG को कहा है अब रूट लगाएंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है क्या इसको बचाते रहें? उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या तरीका है, VIP बने फिर रहे हैं, आप क्यों नहीं हटाते रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने से तजवजात? हटाएं ये सब, छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, ये भी हटाएं, बाद में उन्हें भी मुआवजा दे दीजिएगा। खतरा है तो आप लोग कहीं और चले जाएं। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा, हमें ज्यादा खतरा है, आप दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम सजाए मौत देते हैं। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि गवर्नर हाउस के अंदर रख दें, कंटेनर्स बाहर क्यों रखते हैं, पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा कि ऐसे काम करें जिससे अवाम को परेशानी ना हो, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इंक्रोचमेंट है तो वो भी तोड़ दें। साबिक वज़ीरे दाखला राणा सोलह ने कहा है कि नवाज शरीफ पार्टी सदर बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। जहां जहां पार्टी को जरूरत पड़ेगी वहां नए लोगों को सामने लाएंगे। नवाज शरीफ मुल्क की खातिर कल भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए आमादा थे और आज भी हैं। इस वक्त भी बात की थी जब 2014 में 126 दिन का धरना दिया गया और पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ था। राणा सोलह का कहना था कि नवाज शरीफ इदारों की चीफ साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के हक में नहीं। जनरल बाजवा की ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन नहीं भिजवाया था। लीगी रानमा ने कहा कि नवाज शरीफ हर सतह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को 100% सपोर्ट कर रहे हैं। वो पार्टी को सियासी और तंजीमी तौर पर असर नो इस्तवार करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान समझने वाली चीज नहीं, उन्हें अल्लाह ही समझाएगा। इमरान खान की अपनी अवामी पजीराई 0 है, लेकिन उन्हें बस मजामत और मजलूमियत का वोट मिला है, लेकिन इमरान खान की वो मजामत नहीं जो इनकी जमात की रही है। साबे वफाकी वजीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने 32 साल मजामत की सियासत की है, मैंने एक लम्हे के लिए भी नवाज शरीफ को मजामती बयानिए से पीछे हटते नहीं देखा। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।